नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा सर्टिफिकेशंस इन मार्केटिंग के बारे में। जैसा कि आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था सर्टिफिकेशंस इन फाइनेंस के बारे में, तो मैंने आपको ये कहा था कि मैं मार्केटिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी एक वीडियो लेकर आऊंगा, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली मार्केटिंग के स्टूडेंट्स के लिए है। तो इस वीडियो में मैं आपको शुरुआत करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो सर्टिफिकेशंस की रेलेवेंस फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए जितनी होती है उतनी ज्यादा मार्केटिंग स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती है। क्योंकि मार्केटिंग के लिए आपको जो भी आपकी नॉलेज आप सीखते हो, अक्वायर करते हो बिजनेस स्कूल में, आपको अप्लाई उसको करना पड़ता है और अप्लाई करते हो कॉम्पिटिशन में, जैसा कि मैंने आपसे पहले वाले वीडियो में भी कहा था। मगर आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज के थ्रू में फाइनेंस में सीखते थे कॉन्सेप्ट को और उसको अप्लाई करते थे कॉम्पिटिशन में। यहाँ पर आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज से कॉन्सेप्ट नहीं सीखते हो। यहाँ पर अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है तो आपके लिए जो है बाइबल ऑफ मार्केटिंग फिलिप कॉटलर की जो मार्केटिंग बुक है उसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और उसकी जो आप मीनिंग है वो आपको ब्रॉड बेस करनी पड़ेगी। यानी कि आप अगर उस बुक को पढ़ रहे हो तो उसे पढ़ने के लिए मत पढ़िए, आप उस बुक को समझिए कि उसमें एक एक कॉन्सेप्ट को आप किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में किसी भी ब्रांड या किसी भी प्रोडक्ट के साथ में एसोसिएट कर सकते हो। तो वहां से आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हो और उसे केस स्टडीज में अप्लाई करते हो। तो ये जो रास्ता है दोनों ही फाइनेंस और मार्केटिंग में थोड़ा डिफरेंट है, और इसीलिए फाइनेंस क्योंकि एक बहुत टेक्निकल जॉब है, डेस्क जॉब है, तो वहां पर जो है टेक्निकल जॉब्स के लिए सर्टिफिकेशंस इंपॉर्टेंट होती है, बट एक मार्केटिंग एक टेक्निकल जॉब नहीं है। मार्केटिंग इज अ फील्ड जॉब। अगर आपको मार्केटिंग सीखना है तो आपको कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे होने पड़ेंगे, ना कि आपकी टेक्निकल स्किल्स। तो चलिए फिर मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि कुछ कुछ ऐसे सर्टिफिकेशंस हैं जो अगर आप कर सकते हो तो आपको थोड़ी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वहां से मिलती है। तो उन कोर्सेज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक आपको बेसिक लिस्ट में आपको देता हूं कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हो, 6-7 जो आपको सब करते हुए दिखेंगे आपके जो मार्केटिंग के पीयर्स हैं। उसके अलावा कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी हैं जो कुछ कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज ऑफर करते हैं अपनी तरफ से, यानी कि उनके जो ट्रेनर होते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के जो ट्रेनर होते हैं वो आपको ये सब चीजों के बारे में कोर्सेज ऑफर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको गूगल एडसेंस, गूगल एडवर्ड्स, ये दो कोर्सेज आप कर सकते हो। आप हबस्पॉट की कंटेंट मार्केटिंग कोर्स कर सकते हो, सेल्सफोर्स या हबस्पॉट की तरफ से जो CRM कोर्स ऑफर किया जाता है आप वो कर सकते हो। आप गूगल की तरफ से डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन वाली कोर्स कर सकते हो और उसी के साथ साथ आप फेसबुक ब्लूप्रिंट को भी कर सकते हो। तो ये 5-6 कोर्सेज दोस्तों ऐसे हैं जो आपको मैक्सिमम मार्केटिंग के स्टूडेंट्स करते हुए दिखेंगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई कोर्सेज जो है वो उतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। जितनी ये 6 कोर्सेज प्रोमिनेंट है उतनी बाकी कोर्सेज प्रोमिनेंट नहीं है जितनी भी मार्केट में है। अब जो है मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से स्टैंड अलोन ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको कुछ कुछ कोर्सेज ऑफर करते हैं, जैसे कि फोर विजन, EduCBA और व्हाइट नाइट वेंचर्स। ये ऑर्गेनाइजेशन आपको सिर्फ फाइनेंस में ही नहीं बल्कि मार्केटिंग में भी कुछ कुछ कोर्सेज ऑफर करते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपकी कंटेंट मार्केटिंग, बिजनेस BFSI सेलिंग टेक्निक्स, यानी आप अगर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में, आप अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी के मार्केटिंग रोल में जाते हो या फिर किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट की कंपनी में, तो आपके लिए वो डिफरेंट होगा कंपेयर टू कोई आप अगर FMCG कंपनी में प्रोडक्ट सेल्स में जाते हो। तो इसीलिए वो टेक्निक्स भी सीखना जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल प्रोडक्ट को बेचना और एक FMCG प्रोडक्ट को बेचना, इनमें काफी डिफरेंस है। तो वो आपको मिल जाएगी इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। फिर आपको जो है डेटा एनालिटिक्स, मार्केट रिसर्च और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो इन सब चीजों के ऊपर भी आपको स्पेसिफिक कोर्सेज मिल जाएंगे इन 3 ऑर्गेनाइजेशंस के पास। अब आप ये कोर्सेज को आप पीछे छोड़िए, आप ये देखिए कि मार्केटिंग में आपको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज की होगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी प्रेजेंटेशन स्किल्स। अगर आप PPT बनाना जानते हो या नहीं जानते हो, आपके लिए वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि आप कभी भी प्रेजेंटेशन बनाओगे, अपनी कंपनी में बनाओगे, कॉलेज में बनाओगे, आपके लिए एक्सेल उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी जितनी प्रेजेंटेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट होगी। तो आप एटिकस एडवाइजर्स जो है वहां से प्रेजेंटेशन स्किल्स सीख सकते हो, या फिर BCG या मैकेंजी की जो रिपोर्ट्स हैं वहां से आप सीख सकते हो कि जो है प्रेजेंटेशन की इंपॉर्टेंस और किस तरह से मार्केटिंग में प्रेजेंटेशन बनाए जाते हैं। अगर आपने कैची प्रेजेंटेशंस, अपीलिंग प्रेजेंटेशंस बना लिए जो कि विजुअली अट्रैक्टिव होते हैं, ज्यादा चीज आपको नहीं डालनी प्रेजेंटेशंस में, यानी कि कंटेंट जो है कम होना चाहिए आपके राइटिंग में, राइटअप्स में, बट आपके जो विजुअल्स हैं वो आपकी जो पूरी स्टोरी है उसको उन्हें बयान करने चाहिए। यानी कि ये जो आपके प्रेजेंटेशंस आप बनाते हो उनमें ज्यादा वर्ड्स या लिखिए मत, आप फोटोज डालिए, आप उनको अपीलिंग बनाइए, कलरफुल बनाइए, क्योंकि आप एक मार्केटिंग कोर्स कर रहे हो, कलरफुल होना चाहिए और एक फ्लो जो है आपके प्रेजेंटेशन में आना चाहिए विदाउट मच एक्सप्लेनेशन ऑन द स्लाइड्स। तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन स्किल्स होंगे, क्योंकि आप केस स्टडीज में भी पार्ट लोगे, कॉम्पिटिशन में भी पार्ट लोगे, तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन की काफी वेटेजेस होती है कि आप कितना अच्छा प्रेजेंटेशन बनाना जानते हो। तो इसीलिए प्रेजेंटेशन जरूर सीखिए,
एटिकस एडवाइजर से ले लीजिए, अगर आप वहां से नहीं लेते हो तो बीसीजी या वैकेंसी किसी की भी एक रिपोर्ट पढ़ लीजिए प्रेजेंटेशंस के ऊपर, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से बनाए जाते हैं प्रेजेंटेशंस। तो दोस्तों ये थी सर्टिफिकेशंस के बारे में, बट अब मैं आपको बताता हूं कि एक मार्केटिंग स्टूडेंट के लिए सर्टिफिकेशंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा होगा केस स्टडीज एंड कॉम्पिटिशंस। अगर आप केस स्टडी कॉम्पिटिशंस में पार्ट लेते हो जो कॉर्पोरेट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड मैक्सिमम केस स्टडी जो आपके कॉलेज में आएंगी वो मार्केटिंग रिलेटेड ही आएंगी, तो आप सबसे ज्यादा जो है सीख सकते हो एक केस स्टडी से, क्योंकि वो लाइव प्रॉब्लम्स जो किसी कंपनी में चल रही होती है, जैसे कि मैं अगर एचयूएल की बात करूं तो एचयूएल के अगर प्रोडक्ट लाइन में कहीं पे कुछ लैग चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो वो उसके ऊपर में केस बनाते हैं और वो रिलीज करते हैं अपने केस स्टडी कॉम्पिटिशंस में। तो आप जो है वो लाइव प्रॉब्लम्स जो होते हैं कंपनी के उस पर काम कर रहे होते हो, सोल्यूशंस दे रहे होते हो, आपका जो माइंड है वो भी खुलता है, ओपन होता है, और उसी के साथ साथ आपके नए नए आइडियाज बाहर आते हैं, आपकी क्रिएटिविटी जो है वो डेवलप होती है। तो केस स्टडीज आपके लिए ज्यादा मैटर करेगी कंपेयर टू दी सर्टिफिकेशंस। तो मैं आपको सिर्फ यही एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले आप कॉटलर पढ़िए, अच्छी तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करिए, और उसके बाद आप जैसे ही आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने की, आप जरूर पार्ट लें और कोशिश करें कि आप जितनी ज्यादा हो सके अपने कॉन्सेप्ट जो आपने सीखे हैं कॉटलर से उनको अप्लाई करें। तो इस तरह से आप अपनी प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और नॉलेज भी डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपको बात करूंगा कि कौन कौन से सर्टिफिकेशन कोर्सेज या किस तरह से आप जो है अपने सीवी को ऑपरेशंस, आईटी, एचआर या जनरल मैनेजमेंट, इन चार फील्ड्स में आप किस तरह से सर्टिफिकेशंस करके अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, या फिर अगर सर्टिफिकेशन नहीं तो और उसके अलावा क्या कर सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए और लाता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने का।